श्री 1008 बगीचा वाली मैया के पावन सानिध्य में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 2008 यात्रा महोत्सव आज करेरा से महिंदीपुर बालाजी धाम रवाना हुई। जानकारी के अनुसार जीतू भागवत ने बताया कि श्री 1008 बगीचा वाली मैया के पावन सानिध्य में करेरा से केला देवी करौली होते हुए मेहंदीपुर बालाजी धाम पहुंचेंगे। ध्वजारोहण यात्रा महोत्सव 23 अगस्त 2022 मंगलवार को श्री 1008 बगीचा वाली मैया से ध्वजारोहण यात्रा डीजे बैंड बाजों के साथ प्रमुख मार्गों से चांद दरवाजा पुरानी तहसील गांधी रोड फूटा तालाब पुराना बस स्टैंड नया बस स्टैंड बीज भंडार होते हुए सिटी सेंटर तक पैदल चल समारोह पहुंचा। चल समारोह का नगर में जगह जगह स्वागत हुआ। उसके पश्चात शाम को बसों द्वारा केला देवी करौली होते हुए मेहंदीपुर बालाजी धाम ध्वजारोहण यात्रा प्रस्थान किया। कार्यक्रम में 24 अगस्त 2022 बुधवार को केला देवी में ध्वजारोहण भंडारा रात्रि जागरण 25 अगस्त 2022 गुरुवार को मेहंदीपुर बालाजी धाम प्रस्थान भंडारा रात्रि जागरण 26 अगस्त 2022 शुक्रवार को मेहंदीपुर बालाजी धाम से ध्वजारोहण भंडारा रात्रि जागरण 27 अगस्त 2022 शनिवार को मेहंदीपुर बालाजी धाम से करेरा वापसी हो। मैं आज बगीचे वाली मैया से ध्वजारोहण यात्रा निकली और यहाँ रामराजा गार्डन तक आई, और इसका उद्देश्य क्या है और कहाँ तक जाना है? जय जय श्री राम, जय बालाजी सरकार, जय माँ बगीचे वाली। ये धर्म की ध्वजा है। जैसे महाभारत में अर्जुन को जरूरत पड़ी थी ध्वजा की, ऐसे इस कलयुग में इस ध्वजा की जरूरत है। ये पुरानी परंपराएं हैं, इस पुरानी परंपरा को हम दोबारा से फिर जोड़ना चाहते हैं लोगों को, भक्तों को, कि ये परंपरा चले, लोग इस परंपरा को आगे बढ़ाएं और इससे लाभ लेते रहें। धर्म की ध्वजा जब किसी स्थान या किसी धाम पर जाती है तो दर्शन भी प्राप्त होते हैं। तो मेन उद्देश्य हमारा और ये लक्ष्य हमारा यही है कि भक्त जितने भी हो सके ज्यादा से ज्यादा दर्शनों का लाभ ले और अपने जीवन को धन्य बनाए। जैसे अभी भक्त लोग कम से कम सैकड़ों की संख्या में भक्त लोग हैं, तो कहाँ कहाँ होके जा रहे हैं, कौन कौन से दरबारों में पहुँच रहे हैं? यहाँ से सीधे केला देवी पहुँचेंगे। सुबह केला देवी पर ध्वजा चढ़ाई जाएगी, रात्रि में जागरण होगा केला देवी का। उसके अगले दिन यानी कि 25 तारीख को सुबह वहाँ से मेहंदीपुर धाम के लिए निकलना होगा। 25 तारीख को रात्रि में बालाजी महाराज की नगरी में जागरण होगा। 26 तारीख को सुबह 8 बजे से ध्वजा की तैयारियाँ की जाएंगी, मेहंदीपुर में ध्वजा चढ़ाया जाएगा। उसके बाद में शाम को फिर दरबार लगाया जाएगा। अगले दिन यानी कि 27 तारीख को फिर वहाँ से हम वापस हो जाएंगे।